हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद हसन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अभी नेवी के अंदर रिसेंटली जॉब्स आई हैं, तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि उस पर किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रीरिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी हम लिंक को यूज करेंगे और किस तरह हम कंप्लीट फॉर्म फिल करेंगे। तो अभी तक जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि इसके बाद बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि किस तरह हम बारी बारी सारे प्रोसेसेस को करेंगे। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है ज्वाइन पाक नेवी। जैसे ज्वाइन पाक नेवी लिखेंगे, ये देखें पहला लिंक आया है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चला जाएगा। ये देखें मेरे सामने फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे तीन स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, स्टेप 2 रजिस्ट्रेशन स्लिप और रिजल्ट। क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी अप्लाई करना है तो लिहाजा रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे करेंगे। जो लोग अप्लाई कर चुके हैं और उनकी डेट्स और टाइम्स अभी नहीं आए तो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप पे अपना CNIC इंटर करके वहाँ से स्टेप वक्तन फ़क्तन देखते रहें तो उनकी डेट एंड टाइम आ जाएगा यहाँ पे। तो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ये देखें सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच में आपने मैरीन्स सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे भी वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता रहा है, जैसे मेल है, उसके बाद एज 17 to 21 है, 5 foot 6 inch कद है, क्वालिफिकेशन मैट्रिक साइज 60% मार्क्स है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस दी हुई हैं, आप अगर न्यू हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये उन पर्सन के लिए हैं जो नेवल पर्सन है, यूनिफॉर्म सर्विंग रिटायर्ड, उनके बच्चों के लिए ये एज रिलैक्सेशन है। सेकेंड, यहाँ पे सिविलियन कैंडिडेट होगा, यहाँ पे मैट्रिक या ओ लेवल अगर किसी ने किया हुआ है, लेकिन ओ लेवल किया हुआ है तो डजन मैटर, देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैट्रिक बेस्ड जॉब है तो मैट्रिक ही बेहतर है। यहाँ पे आपने मार्क्स लिखने हैं 680, 850 और यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है, जो भी बोर्ड है, जैसे ये सरगोधा बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड, मर्दान बोर्ड, जो भी है, यहाँ से सरगोधा बोर्ड सेलेक्ट करते हैं। फुल नेम लिखना है मोहम्मद। यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड एंटर करना है। ये मैं डमी कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरह फॉर्म फिल करना है। फादर नेम एंटर करना है, वालद साहब का आईडी कार्ड एंटर करना है यहाँ पे, मेल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप अपनी एंटर करेंगे 2005, क्योंकि रिलैक्सेशन के क्राइटेरिया में आप नहीं जाएंगे, 5 foot 7 inch, सिंगल, उसके बाद रिलीजियस, इस्लाम अगर किसी का कोई और है तो वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, रूलर प्रोविंस पंजाब, डोमिसाइल सरगोधा, और यहाँ पे पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है XYZ, ये बड़ा क्लियर कट लिखना है क्योंकि जितनी भी मेलिंग होगी इसी पे जाएगी, 03448888। अल्टरनेटिव फ़ोन नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, जिनके साथ छोटे से स्टार लगे हुए हैं रेड कलर के, ये इम्पोर्टेंट है, इनके बगैर फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने देना है, यहाँ से सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए आपके पास अभी फॉर्म फिल हो चुका है। तो ऐसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर किसी को फॉर्म फिल करना नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें और मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें, उसका यहाँ से मैं डायरेक्ट अप्लाई करके उसको स्लिप भेज दूंगा। तो यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। अभी देखें कोई एरर आया, वो कहता है कि एज क्राइटेरिया डज नॉट मैच, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज लिखी थी 2005, तो लिहाजा 2005 को एक्सेप्ट नहीं। जो भी एरर देगा यहाँ पे ऊपर एरर देगा, उसको आप आसानी से मिटिगेट कर सकते हैं। तो इस तरह आपने फॉर्म फिल करना है इसका। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी उसके अंदर हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, सीरीज क्वेश्चंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सब क्वेश्चंस को हम तकरीबन ऑलमोस्ट बारी बारी टच करेंगे।